करनाल के श्री सेवा समिति आश्रम अर्जुन गेट में मदन मोहन मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल के सांसद संजय भाटिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। इस अवसर पर मालवीय अवार्ड से भी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि श्री सेवा समिति आश्रम पिछले काफी अरसे से लोगों की सेवा में अग्रणी कार्य कर रहा है, जिसके चलते निर्धन परिवारों को मासिक राशन मुहैया करवाना, रक्तदान शिविर लगाना, गरीब कन्याओं की शादियां कराना व समय समय पर श्री कृष्ण लीलाओं का आयोजन भी यहां पर करवाया जाता है। इस मौके पर श्री सेवा समिति आश्रम के प्रधान राजेंद्र मदान, रामा तिलक राज खुराना, रूप नारायण चान्ना के अलावा श्री सेवा समिति प्रबंधक समिति के विभिन्न सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद संजय भाटिया ने सभी को मदन मोहन मालवीय के जयंती की शुभकामनाएं दी। देखिए एक रिपोर्ट। कहना शुरू कर देना या चार दिन पहले भी सेवा समिति में था, आज भी सेवा समिति में है, तो ये ऐसा काम ना कर देना भाई, ये कृपा करना आप। लेकिन मैं आऊंगा, आपके बीच में रहूंगा, मेरे को कोई और काम नहीं, मेरा तो बस नहीं चलता सेशन में। अगर ये सेशन 11-11, 12-12 बजे तक रात को ना चले ना, मैं तो 5:15 बजे ट्रेन चलती है, 1 घंटे में पहुंचा देती है, 1.25 घंटे में पहुंचा देती है, तो मैं तो चल भी जाता हूँ ट्रेन पे, आ भी जाता हूँ सुबह शाम रात को दिन रात, जब मर्जी मेरे को आवाज मारोगे आपके बीच में खड़ा हूँ। और मुख्य अतिथि बना के कार्ड मत छापना, क्यों खर्च करते हो कार्ड पे, ये माला पे कार्ड पे इतने महंगे महंगे स्मृति चिन्ह बना दिए, ये भी किसी गरीब के काम, दो समय का खाना उसका पक जाएगा, इसकी जरूरत नहीं, ये औपचारिकता है। और अगर मेरी बात तो बहुत ज्यादा मेरे पास सच पूछो तो इतनी शील्ड मैं भिजवा दूंगा, वही देते रहना, मैं छोड़ दी, मेरे पास बहुत बड़ी है, तो आप इसकी जरूरत ना करो। मेरा एक एक चीज, एक एक कोई खर्चे की जरूरत नहीं। माइक सेंटर तो परमानेंट सेवा समिति का, किराए पे लेने की जरूरत नहीं, इसको परमानेंट ले लो। कुर्सी किराए पे आती है तो परमानेंट कुर्सियां ले लो, टेंट का किराया हो जाओ, टेंट वाले भाई नाराज मत होइए भाई, कहीं ये माइक वाला नाराज हो जाए, ये अच्छा है, ये बड़ा हमारा धंधा बंद करवा रहा है। तो इसमें इनबिल्ट आता है माइक सिस्टम, इनबिल्ट आता है, दो परमानेंट करो, एक माइक सेट रखो, मेरा भाई सेट कर देगा। तो करके अपना हर चीज का खर्चा बचाओ, क्योंकि ये समाज के गाढ़े खून पसीने की कमाई है, और हमने इसको थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्च कर लिया तो वो भी हमारे ऊपर बोझ है, कि दान का पैसा है, तो इसके ऊपर अपने ऊपर खर्च नहीं करना, समाज पे खर्च करना अधिक से अधिक। बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, बहुत ज्यादा मेरे ख्याल थोड़ा सख्त भी बोल दिया, उसके लिए आपके चरणों में नमन करता हुआ, क्योंकि ये संस्कार मैंने समाज से सीखे हैं, इसमें कोई मेरा कोई अहंकार, या आप ये ना सोचना कि सांसद बोल रहा है, सांसद बन गया तो किसी को कुछ क्या देगा, नहीं, ये मेरे मन के भाव थे, जो कुछ मैंने आपसे सीखा, आपके माता पिता के संस्कार है आप में, धन्यवाद, थैंक यू, जो कुछ मैंने समाज से ग्रहण किया, अपने बड़ों से ग्रहण किया, वो भावना को जो मैंने समझा अपने शब्दों में व्यक्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बोर होने के बाद भी बड़े ध्यान से मेरी बात सुनते रहे, थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।